हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीटी ब्लॉग्स। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं नॉर्वे से। और जैसा कि आप जानते हैं कि होली का सप्ताह चल रहा है, और होली के इस सप्ताह में मैं अपने पूरे परिवार की ओर से अपने सारे दर्शकों को, अपने सारे व्यूअर्स को, अपने सारे जानने वालों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी कोशिश मैंने जो है उत्तराखंड और ख़ासकर कुमाऊँ में जो होली का इतिहास है उसकी कुछ झलकियां आप तक पहुंचाऊं, इसकी कोशिश करी है। और ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री आपके लिए मैंने बनाई है, आप इसका एंजॉय करें। और साथ ही मेरे स्पिरिचुअल टॉक चैनल पर मैंने ब्रिज की होली का पूरा इतिहास और डॉक्यूमेंट्री बना करके डाली है। उस चैनल पर जाकर के आप उस पूरे ब्रिज की होली का इतिहास को भी जानने की कोशिश कर सकते हैं और उसका आनंद उठा सकते हैं। चलिए एक बार फिर आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप आनंद उठाएँ इस कुमाऊनी और उत्तराखंड की होलियों के इतिहास को। बाय बाय, टेक केयर। उत्तराखंड के कुमाऊं आंचल क्षेत्र में होली का उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ होली का त्योहार जीवंत रंगों और मिट्टी के लोक गीतों का बहुरूप दर्शक है, जीवंत और समृद्ध स्थानीय संस्कृति का एक वास्तविक प्रतिबिंब। कुमाऊं आंचल में आप तीन अलग अलग प्रकार के होली समारोह देख सकते हैं, बैठी होली, खड़ी होली और महिलाओं की होली। अल्मोड़ा को सांस्कृतिक नगरी कहा जाता है। संस्कृति कर्मियों का मानना है कि कुमाऊं में होली गीतों का इतिहास अल्मोड़ा से ही शुरू हुआ, उसके बाद नैनीताल, पिथौरागढ़, रानीखेत आदि स्थानों में बैठ की होली शुरू हुई। ब्रिज की तरह कुमाऊं में गाए जाने वाले होली गीत भी शास्त्रीय गीतों पर आधारित हैं। चूंकि होली का यह रूप ज्यादातर शहरी परिवेश में संगीत और गीतों के साथ मनाया जाता है, इसलिए इसे नगर होली या शहरी होली के रूप में भी जाना जाता है। बैठी होली में लगभग 5-7 या अधिक लोगों के समूह मंदिरों, सामुदायिक केंद्रों या घरों में एक साथ आते हैं और गीत गाते हैं। इन गीतों में संगत के रूप में हारमोनियम, तबला, मंजीरा और ढोलक जैसे संगीत वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। हर किसी को परोसे जाने वाले शानदार उत्सव पहाड़ी व्यंजनों में मसालेदार आलू और सूजी से बने सिंगला शामिल हैं। भोजन गुड़ की डली, पान के पत्ते और सुपारी, लौंग और इलायची के साथ समाप्त होता है। तीन घुगुती जागर हल्द्वानी के कलाकारों ने अपनी गायकी की एक अनूठी छाप छोड़ी है। चलिए उनके बैठ की होली गायकी का आनंद उठाएं। Yeah।
ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ी होली को काफी जोर शोर से मनाई जाती है। इन उत्सवों में आम लोगों की भागीदारी प्रमुख होती है। कुमाऊं में खड़ी होली के गीत पुरुषों और महिलाओं द्वारा गाए जाते हैं। पुरुष और महिलाएं एक घेरे में इकट्ठा होते हैं और ये गीत गाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पैर और हाथ गाने की लय के साथ तालमेल बिठाते हैं। इन गायकों को होल्यार के नाम से जाना जाता है। सफेद रंग के कुर्ता पायजामा पहने और टोपी पहने होल्यार एक घर से दूसरे घर जाते हैं और ये गीत गाते हैं। महिलाओं की होली। कुमाऊं आंचल के कुछ हिस्सों में विशेष रूप से महिलाओं द्वारा होली गाने और उत्सव मनाने की परंपरा है।
ये गीत बैठी होली और खड़ी होली शैलियों का संयोजन है। मंजीरा और ढोलक जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग महिलाएं भी करती हैं। महिलाओं द्वारा ये होली उत्सव एकादशी से शुरू होता है। घरेलू और खेती के काम निपटाने के बाद महिलाएं उत्साह पूर्वक बैठी होली में भाग लेती हैं। महिलाओं के इन गीतों में आमतौर पर हास्य और व्यंग्य का भी समावेश किया जाता है। गीतों में सामाजिक घटनाओं का व्यंग्यपूर्ण चित्रण और परिवार के सदस्यों और गांव के अन्य लोगों जैसे सास-ससुर, बहुए, गांव के बुजुर्ग, शराबियों और राजनेताओं पर हास्यपूर्ण चित्रण शामिल हैं।